सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम धीरे के नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम आज बैक वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रो। ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरह के बेंच की जरूरत है। जो हम आपको इस बेंच की जो हाइट है उसको अपने एडजस्टर सेट कर सकते हैं, पर ये बात को ध्यान रखना इसकी जो हाइट है ना वो ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इसी लेवल के साथ होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने हाथों को पहले तो इस पोजीशन से लेकर आना पड़ेगा और जब हम अप करेंगे तो इस तरह से आर्म को स्क्वीज करना है इस तरह से। एक हाथ से करने के बाद तुरंत बिना ब्रेक लिए हमें ये परफॉर्मेंस दूसरे हाथ से करनी है और करने के लिए अपने अपर बॉडी को बहुत ही एडजस्ट करके रखना है। इस एक्सरसाइज के हमें तीन सेट लगाने हैं बिना रेस्ट किए, नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 से 12 रखने हैं। चलो हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट। आज की जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है टी बार रो। अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वी शेप हैंडल की जरूरत पड़ेगी और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपनी जो बॉडी है सीधा नहीं रखना, इसको जी अपर बॉडी को थोड़ा सा बेंड करके रखना और जो अप करते समय वेट को जो ये इसको चेस्ट पर टच होनी चाहिए जी, इस तरीके से ये परफॉर्मेंस करनी है। ज्यादा इसमें अपनी बॉडी को जर्क नहीं मारना, इस तरीके से करनी है। इस एक्सरसाइज के हमें 3 सेट करने हैं। जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करके सेकंड एक्सरसाइज सेट पर जाएंगे तो हमें बीच में 2 मिनट का रेस्ट लेना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की तीसरी। आज की अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज है बारबेल बेंड ओवर रो। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपने हाथों की जो ग्रिप है वो इस तरीके से हमें नहीं पकड़नी, हमें इस तरीके से पकड़नी है। जो हमारे जो बारबेल है उसकी जो हाथों की पोजीशन है ना वो शोल्डर के अंदर होनी चाहिए, थोड़ी शोल्डर के वाइड नहीं होनी चाहिए। इसको करने के लिए हमें अपर बॉडी को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा और हमें चेस्ट को इस एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से ये परफॉर्मेंस करनी है। इस एक्सरसाइज के हमने 3 सेट लगाने हैं। 1 सेट लगाने के बाद हमें जब दूसरे सेट पर जाएंगे तो हमें बीच में 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। चलो आज की जो अपनी चौथी एक्सरसाइज है लैट पुट डाउन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपने हाथों की ग्रिप है ना उसका जो गैप है बीच में, इसका जो गैप है जो 1 इंच का होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इसे अपने अपर चेस्ट पर टच कराना होगा और उसके बाद हमें धीरे से ब्रीथ करना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हमें अपने अकॉर्डिंग वेट उठाना चाहिए, हमें ज्यादा वेट उठाना चाहिए। कई जो गलती करते हैं जिनमें ज्यादा वेट उठा के वो हैवी वेट उठा लेते हैं और वो बाद में उसको सही से लगा नहीं पाते हैं, ये गलती नहीं करते हैं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, अपर चेस्ट पर टच करा के इसको धीरे से ब्रीथ करते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें 4 सेट करने हैं। पहले 2 सेट में हमें जो अपनी हाथों की ग्रिप है वो बिल्कुल 28 इंच रखनी चाहिए और जो आखिरी 2 सेट हैं उसमें हमें जो अपनी हाथों की ग्रिप है ना उसकी लेंथ को बढ़ाकर हमने 32 इंच कर देना है और इस एक्सरसाइज के हमने 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं और जो बीच का गैप है ना वो 1 मिनट का रहना चाहिए इसमें। हम आज की 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। आज की जो हमारी 5वीं एक्सरसाइज है स्टार बार पुल डाउन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस प्रकार के डी हैंडल की जरूरत पड़ेगी। हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए केबल को बिल्कुल पुली के नीचे लगाना है और थोड़ी सी मशीन से अपनी दूरी बनाकर रखनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरह से अपने अपर बॉडी को बेंड कर लेना है और ये एक्सरसाइज को जब हम इस एक्सरसाइज को आर्म कैसे करेंगे ना तो हमें दो आर्म की स्थिति अच्छी कर लेनी है। इस
पास लगानी है, इसमें हमें सेट नंबर 3 रखने हैं और हरेक सेट में हमें 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं और जो बीच का रेस्ट है वो रखना है 30 सेकंड का, इससे ज्यादा रखना है। एक्सरसाइज लैंडलाइन पुली पायरो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरीके से के डी हैंडल की जरूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पहले तो इस तरीके से जमीन पर बैठ जाना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज करने के लिए हमें जो पोजीशन है ना वो जमीन की इस तरीके से रखनी है, जो अपनी पोजीशन है इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है इस तरीके से। जब हम अपनी आर्म को नीचे बैठे रहेगा तो हमने ये इस तरीके से थोड़ी सी आर्म को अपनी को घुमा लेना है इस तरीके से नीचे की ओर, पूरी स्क्वीज करके रखनी है और धीरे धीरे बीट करना है। इसमें हमें एक बार से एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत ही हमें ये एक्सरसाइज दूसरे हाथ से लगानी है। इसमें हम सेट ऑफ रेपिटेशन रखेंगे 12, सेट नंबर 2 और इसमें बीच में जो रेस्ट है वो बिल्कुल नहीं लेना, लगातार ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस करनी है। ये था हमारा आज का वीडियो। अपने हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो रहते हैं उनके गांव में जिम तो होती है पर उनको सिखाने के लिए कोई कोच वगैरह नहीं होता और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने जिम ट्रेनिंग के लिए कोच को फोन कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन से यही है कि जो मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचे और जो जिम लगाने का सही तरीका ना उसको पता चल सके, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को बतौर सब्सक्राइब और इसे शेयर करा करो ताकि हमारी जो वीडियो है वो पूरे गांव के लोगों को तक पहुंच सके। धन्यवाद।